स्टैटिक 500 का तीन भी है, 500 का तीन भी है। अभी तो मेरे को इतने हाइट पे चढ़ने का डर लग रहा है, जब चलेगा तो कैसे होगा यार। और ये पूरा जब ऐसे घूमेगा जो उससे बैठेगा उसका दशा खराब हो जाएगा। ये हो गया ब्रेक डांस का झूला, तो ये है अपना डोरेमोन वाला झूला यार। सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आप लोग पूरा घुमाने वाला हूं डिज्नीलैंड मेला, जो कि प्रारंभ हो चुका है रामाभाटा मैदान में। और यहां का लोकेशन का जो लिंक है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आज ही से मेरे ख्याल से प्रारंभ हुआ है, अभी आप लोगों के आगे पीछे दिखाऊं तो कई जो व्यापारी है सामान अभी अपना लेकर और मेले में जा रहे हैं, मेले को सजाने के लिए, लगाने के लिए। वैसे मेले की खूबसूरती की बात करूँ गाइस, तो बाहर से काफ़ी अच्छे सजा दिया गया है और जो पब्लिक है, पब्लिक आना प्रारंभ कर चुकी है, यानी कि आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो। अंदर में मैं गया था अभी थोड़ी देर के लिए, झूला भी लगा है और बहुत सारा चीज़ है, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक यार बने रहना। तो सबसे पहले आप लोग का एंट्री गेट दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, सब दो दो एंट्री गेट है, एक यहाँ और एक है एंट्री गेट वहाँ। यहाँ से देखो कुछ सामान अभी जाहिर है, जैसे कि आप लोग को बताया मैं कि अभी मेला जस्ट चालू हुआ है, तो बहुत सारा सामान अभी और लेके जाया जा रहा है अंदर। और आज का जो एंट्री है फ्री है, क्योंकि अभी तो ऐसी में जाके आ गया, मेरे से कोई कुछ नहीं पूछा टिकट के लिए, कोई कुछ नहीं बोला, मैं जाके अंदर से घूम के भी वापस आ गया, उसके बाद व्लॉग शूट किया। लेकिन यहाँ आप लोगों को दिखाऊं तो डिज्नीलैंड मेला टिकट काउंटर, यानी कि आपको यहाँ से पहले टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग एंटर करोगे। तो आप लोग देखो, ये है बाहर का पूरा सीन, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और थोड़ी देर बाद चलेंगे आप लोगों को लेकर अंदर। यहाँ बता दूँ आप लोगों को, पार्किंग के लिए है, टू व्हीलर लेकर आते हो, फोर व्हीलर लेकर आते हो तो आराम से अपने बाइक को इधर या फोर व्हीलर को पार्क कर सकते हो। और जैसे आप लोग को उधर दिखाया था भगवान का पूरा बनाया गया है, वैसे ही सेम लाइटिंग के द्वारा, एलईडी लाइटिंग के द्वारा इधर बनाया गया है। देखो वहाँ शंकर भगवान को बनाया गया है, इधर फिर दुर्गा माता, इधर कान्हा जी, और उसके बाद इधर ये जो अशोक स्तंभ होता है मेरे ख्याल से, ये उसको बनाया गया है। तो काफ़ी बढ़िया है, आप लोगों को झूला का लाइट अंदर से दिख पा रहा होगा, अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होगा लेकिन। तो भैया जो बाइक का पार्किंग चार्ज है कितना है? ₹10। कितने देर के लिए? ये जब तक मतलब अंदर हो तब तक के लिए। और फोर व्हीलर का, चार चक्के का? चार चक्के का ₹20। चार चक्के का ₹20। चलो ठीक है। तो मेला कब तक रहेगा, कुछ आइडिया कब तक रहेगा? लगभग बोल रहा है एक महीने से ज्यादा रहेगा। एक महीने से ज्यादा रहेगा, तो जैसे कि भैया लोग बता रहे एक महीने से ज्यादा रहेगा, मैंने अंदर जाके बात की तो जो यहाँ के आयोजन करता है 1 जनवरी तक बोल रहे हैं कि 1 जनवरी तक मेला रहने वाला है। तो अब चलो चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो बुर्ज खलीफा पे यूजुअली ये देखा जाता है कि वहाँ कोई आयोजन होते हैं, बड़ा बड़ा आयोजन, तो बुर्ज खलीफा पे उसको लाइटिंग में लगाया जाता है। जैसे एसआरके का बर्थडे हो गया या कोई बड़ा सा इवेंट हो तो बुर्ज खलीफा पे लगाया जाता है, लेकिन इस मेले में बुर्ज खलीफे को ही बना दिया गया, तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल है। अब चलो लेके चलते हैं आप लोग अंदर। तो ये रहेगा अपना एंट्री गेट, अभी तो फिलहाल फ्री है क्योंकि अभी मेला सजाया सजाया जा रहा है। और जैसे ही आप लोग एंटर करोगे तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा दोनों तरफ दुकानें, जहाँ के काउंटर दिखाऊँ, जरा आइसक्रीम का शॉप होने वाला है लेकिन अभी लगा नहीं है, लगने वाला है। इधर पान का शॉप है जो कि लग चुका है और यह फेमस बनारसी पान। तो बनारस का पान है, बनारसी डिजाइन होता है इसमें। अच्छा अच्छा, उसका टेस्ट भी अलग होता है नॉर्मल पान से कि वही टेस्ट रहता है? थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है। चलिए, तो क्या प्राइस से पान स्टार्ट हो जाएगा बनारसी पान किसी को खाना? तो ₹20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका दुकान अभी लग गया है कि लगने में टाइम है? लग चुका है, अब मतलब और कल तक हो जाएगा है ना। चलिए, तो वही जैसे आप लोग को बता रहा था मेला आज से प्रारंभ हुआ है, तो बहुत सारे जो दुकानें हैं अभी लगना शुरू हुआ है, कुछ दुकानें लग गया है, कुछ दुकान अभी लगाया जा रहा है। इधर का जो पूरा सेक्शन दिखाऊं तो झूला का है और एक से एक झूला भाई साहब इस बार आया हुआ है। बच्चों लोगों के लिए दिखाऊं तो ये देखो बढ़िया सा झूला है। इधर आपको पिज्ज़ा का शॉप मिलेगा, इधर मथुरावासी चाट जो फेमस है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ भाई साहब ड्रैगन झूला ठीक ठाक लगा दिया गया, शॉप है, आपको झूला देखने को मिलेगा। और झूले में भी अलग अलग वैरायटी का झूला है, जैसे कि आपको ये स्काई वाला झूला हो गया। कब तक चालू होगा झूला? चालू होगा, तुरंत चालू होगा, तुरंत चालू होगा। तो आप मान लो कि कल से आप लोग आते हो। अरे भाई इस बार भी आ गए आप ही गए? चलो चलो लगाओ, कब तक हो जाएगा क्लियर? चलो ठीक है, जल्दी लगाओ, पब्लिक वेट कर रही है। तो भाई साहब पहचानते हैं, पिछली बार भी मेरा लगा था तो मैं ब्लॉग बनाया था, इसलिए मेरे को जानते हैं। तो वो झूला आप लोग को दिखाया स्काई झूला, और इधर भी देखो टोरा टोरा झूला है, टोरा टोरा। तो ये देखो भाई साहब, इसको टोरा टोरा बोलते हैं, वहाँ लिखा भी है बोर्ड पे। और ये रहा, ये नया तो झूला है ना? नया झूला है, रेंजर झूला। अच्छा रेंजर झूला है, है। अरे वाह यार, इसका टिकट का प्राइस कितना हुआ? कुछ ₹100। कितने देर के लिए? ये 6 राउंड घूमेगा। अच्छा, तो ये ड्रैगन क्या बोले, रेंजर झूला? रेंजर झूला, रेंजर झूला है, लेकिन खतरनाक भी बहुत है, डर बहुत लगता है ना। पूरा चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा पूरा। अच्छा, एक राउंड मारेगा क्या? राउंड मारेगा, 3 राउंड ऊपर मारेगा। अरे बाप रे,
तो भाई साहब ये झूला रायपुर में मेरे ख्याल से पहली बार आया हुआ है रेंजर झूला। मैं भी पहली बार आया हुआ है ना, फर्स्ट टाइम रायपुर में ये झूलाया है रेंजर झूला। आप लोगों को थोड़ा सा आगे पीछे जाके दिखाता हूँ। तो यार ये मतलब जैसे बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं, कभी कभी शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो आते हैं ना, तो उस पर ये झूला देखने को मिलता है। लेकिन ये भाई आप लोगों को रायपुर में भी देखने को मिलेगा। और ये देखो भाई साहब, सेफ्टी की बात करो तो ठीक है, आप लोगों को पूरा सीट बेल्ट इधर दिया गया है, बैठोगे तो बांध दिया जाएगा। एक में दो सीट है और एक इधर पूरा है लंबा और एक लंबा उधर से पूरा है। और जो भैया यहाँ के वो बता रहे थे कि पूरा एक राउंड ऐसे पलटेगा, तो भाई साहब चालू होने दो, उस समय तो मैं आऊँगा ही। अभी तो मेरे को इतने हाइट पर चढ़ने के बाद डर लग रहा है, जब चलेगा तो कैसे होगा यार। मशीनरी भी काफ़ी हैवी है यार, वहाँ कई सारा इसके पाइप जुड़े गए हैं। और हाइट देखो यार, और ये पूरा जब ऐसे घूमेगा जो उससे बैठेगा उसका दशा ख़राब हो जाएगा। मेरी हिम्मत तो नहीं है भाई, मैं नहीं बैठने वाला। और प्राइस है 100 रुपये, जो यहाँ के एक सज्जन थे वो बताए, और 6 राउंड आपको घुमाएगा। बाकी इधर से पूरा मेला का व्यू देख सकते हो, इस बार मज़ा आने वाला है। तो आप लोग रायपुर शहर से बिलोंग करते हो, टाइम है तो आप लोग आ जाओ कल से आराम से। लोकेशन रावण भाटा ग्राउंड में, सबको पता होगा, या यहाँ का जो गूगल मैप का लिंक है वो इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके और यहाँ पहुँच सकते हो। तो ये आप लोगों को झूला लगभग उधर का सब दिखा चुका हूँ, कुछ झूला इधर और बचे हैं, जैसे कि बच्चों लोगों का टॉय ट्रेन हो गया। ये झूला देखो अभी सेटअप किया जा रहा है, अभी सेटअप ढंग से पूरा हुआ नहीं है, सेटअप होगा। उधर चांद तारा वाला भी झूला है, और ये अपना चुटकी वाला झूला, और यहाँ जोकर वाला झूला भी अवेलेबल है भाई साहब। काफ़ी प्यारा प्यारा झूला लगा है, ये देखो बीच में जोकर है, इधर बच्चे लोग बैठेंगे मस्त, इधर आपका टर्पोलिन हो गया, और ये हो गया आपका डोरेमोन वाला झूला। तो बच्चों लोगों को लुभाने के लिए हर एक चीज़ यहाँ है। इधर पेंटिंग देखो भाई साहब, मोटू पतलू का पेंटिंग है क्या छोटे? हाँ भैया, हाँ हाँ, हेलो, घूमने हो मेला में? चलो घूम लिए, चंदन ब्लॉग सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ये कल आ जाएगा, सब आएगा सब आएगा, टेंशन मत लो। बोलो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो बेल आइकन जरूर दबा देना, बेल आइकन जरूर दबाना। तो देखो बच्चे कितने समझदार हो गए, बेल आइकन को दबाने को दबा देना है ना। चलो घूमो आप लोग। और ये रहा अपना गन शॉट्स, कितने भैया कैसे शॉट मिल रहे? 50 में 6 शॉट ना, तो सही है, आपको 50 में 6 शॉट देखने को मिलेगा। फिर पता नहीं कि हर चीज में 6 नंबर आ ही रहा है। एक बॉल में सारा ग्लास टेबल के नीचे, ये आपको ग्लास वाला भी, क्या इसका रूल क्या होता है? बॉल से ग्लास पूरा गिरा दो, 6 गिलास गिराओ मनपसंद गिफ्ट लेकर। अच्छा 30 रुपये में मतलब मिलेगा एक एक राउंड है ना, वाह यार। लास्ट में ट्राई करूँ पकड़ो, तो क्या लगता है गाइस आप लोगों को, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? क्या लगता है, कर पाऊँगा नहीं कर पाओगे ना? हैबिट नहीं है ना यार, बेइज्जती कराना हो तो ऐसे मेला आप हरकतें कर सकते हो। अपना क्राफ्ट बाजार का सेक्शन, जहाँ भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी एवं बिक्री का बोर्ड आप लोगों को सामने ही देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉल में बेसिकली आप लोग ख़रीदारी करने के लिए हर एक सामान अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये आपको पिछला मेला जो जस्ट व्लॉग डाला था वहाँ भी आप लोगों को दिखाया था, वेजिटेबल कटिंग मशीन जैसे कि वहाँ लगा था यहाँ भी लगा हुआ है। प्लस ये आपका शूज़ हो गया, जूती हो गया। भैया क्या प्राइस से इनसे स्टार्ट हो जाएगा जूती आपके पास? 200 का। एग्जांपल में दिखाएंगे कौन सा 200 वाला? अच्छा 200 का आएगा, 200 का है। ओके तो ये देख सकते हो गाइस, 200 का जूती आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट रेट क्या हो जाएगा? सेम प्राइस भैया, सभी सेल है हमारा 200। अच्छा कोई भी 200? अच्छा मतलब ऐसा है सेल सिस्टम। अच्छा सेल सिस्टम है, तो सही है यार, 200 में देख लो, इतना सारा वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई भी लो ओनली 200। और इधर आपको खादी का भी कुछ कपड़े देखने को मिलेंगे, बाकी इधर लकड़ी का वुडन क्राफ्ट हो गया, इधर आपका ज्वेलरी देखने को मिलेगा, यहाँ आपको कुर्ती देखने को मिलेगा। अब हर एक चीज़ का प्राइस नहीं बताऊंगा यार, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे कि ठंडी का मौसम है तो ये जो सेक्शन देख रहे हो स्पेशल ठंडी के कपड़ों के लिए बनाया गया है, वूलन बाजार।
के नाम से। और इधर आप लोगों को स्वेटर स्वेटर देखने को मिलेगा। कितना पैसे स्टार्ट हो जाएगा लेडीज का स्वेटर? सबका रेट अलग अलग है भाई। सब मतलब स्टार्टिंग रेट क्या है? स्टार्टिंग 500 का तीन भी है, 500 का तीन भी है। अरे वाह यार, दिखा तो कौन से 500 का तीन? उधर दो जो मैडम। अच्छा इधर हो, अच्छा वो वाला है। ये सब 500 का तीन में है। अच्छा तो यार 500 में तीन, ये मतलब सोचने में थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन ये वाला है आप देख सकते हो। बाकी आप लोग लाइव आओगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा 500 में तीन स्वेटर, वो भी गर्ल्स के लिए। देखने में तो यार सही लग रहा है, बट थोड़ा सा 500 में तीन है तो थोड़ा सा देख के खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सेक्शन में बेसिकली आप लोगों को स्वेटर जैकेट देखने को मिलेगा, चाहे वो लेडीज़ का हो जेंट्स का हो, अलग अलग प्राइस रेंज में ठीक है। और ये तो मैं पहला डील सुन रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ 500 में एक नहीं दो नहीं तीन तीन आपको जैकेट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इस लेन में आते हो तो इधर दिखाऊँ आप लोगों को, पूरा जो भी दुकानें हैं अभी सजाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, पूरा का पूरा शॉप ही शॉप है। हाँ हेलो हेलो गाइस, तो हेलो हेलो, चलो घूमा खेलो ठीक है। तो ब्लॉग जब भी आप पब्लिक में बनाते हो तो बच्चे लोग, हाँ आप लोग आ गए, आप लोग आ गए फिर से आ गए। नहीं हम लोग को बोलो। अच्छा चलो खुश हो गए, चलो खेलो अब। तो बच्चों लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ऐसी चीज़ों देखकर, कैमरा हो गया ब्लॉग हो गया, तो काफ़ी बढ़िया है। और लगभग लगभग आप लोग को मेला का हर एक चीज़ घूम लिया दिखा दिया। और अभी भी अगेन रिपीट कर दूँ, जितने भी सामान हैं वो सभी अभी लाए जा रहे हैं। जैसे कि देखो जब मेले में एंट्री किया था तो ये सब सामान नहीं था और अभी इसको लाया गया है, तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ विजिट करो, एक्सप्लोर करो, देखो। और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन मिला हो, जानकारी मिली हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी आके देखे घूमे और मज़े ले। और बाकी मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन क्या करना है पता है ना, अभी के अभी लाइक मारो। चलो फाइनली बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइज।